नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश की रसोई यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बनाएंगे पके हुए आम की कैंडी। तो एंड तक बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। ये हमने ये काम ले लिया है, ये काम है ही आधा किलो का है। ये जो है कच्चा आम था, मैं दूसरे काम से लाई थी लेकिन नहीं बना पाई तो इसको रख दिया। तो थोड़ा पक गया है, थोड़ा मोड़ा खट्टा भी है। तो आम ऐसा लेना चाहिए जिसमें से रस नहीं टपकता हो, कड़क वाला आम। एक तोता पूरी आम आता है उसमें से रस नहीं टपकता है, वो पका हुआ आम लेकर बना सकते हैं। और ये भी पक गया है, तो ये राजा पूरी है, इसमें से तो रस बहुत टपकता है लेकिन अभी ये अच्छी तरह से नहीं पका है तो इसलिए हम इसका कैंडी बना रहे हैं, इसमें से रस नहीं निकल रहा है। हमने इसका छिलका उतार लिया है तो इसको हम इस तरह से काट लेते हैं। तो इसका जितना भी गूदा है हम उसको निकाल लेते हैं। तो हमने आम के गूदों को कट कर लिया है तो इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। और देखिए ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, कम से कम आधा से पौना इंच तक मोटा होना चाहिए। ज़्यादा पतला होगा तो अच्छा नहीं बनेगा, कम से कम पौना इंच तक मोटा होना चाहिए। तो हमने सारे आम के गूदे को काट लिया है तो हमने पानी रख दिया था उबलने के लिए, तो पानी गर्म हो गया है तो इसको हम इसमें डाल लेते हैं। तो डालने से थोड़ा ठंडा हो गया है तो ढक देते हैं और इसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। बस पानी में एक बार उबाल आ जाए तो हम इसको छान लेंगे, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा, नरम हो जाएगा। तो देखिए उबाल आ गया तो हम गैस को कर देते हैं बंद और इसको हम निकाल लेते हैं। तो हम इसको पानी से जो सारे गूदे हैं जो हमने स्लाइस में काट रखा है इसको हम निकाल लेते हैं। और ये जो पानी है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम इस्तेमाल में ले लेंगे। तो हम बताएंगे कि पानी का क्या करना है। तो ये देखिए पहले जो है ये आम के कंडी जो है इसको हम एक गहरे बर्तन में बाउल में डाल लेते हैं। तो देखिए सारे आम के टुकड़ों को हमने इसमें डाल दिया है। तो हम इसमें लगभग 300 ग्राम के आसपास चीनी को डाल लेते हैं। 300 ग्राम से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो इसको हमने शाम के टाइम बनाया है तो इसको हम इसी तरीके से ढककर रात भर के लिए रख देंगे। और हम इसको कुछ नहीं कर रहे और ऐसे ही रख देंगे, चीनी जो है अपने आप गल जाएगी। तो चलिए सुबह हो गई है, आइए देखते हैं। तो देखिए चीनी जो है गल चुकी है, थोड़ी मोड़ी चीनी अभी बाकी रह गई है, अच्छे से नहीं गली है। तो अब जो ये आम के टुकड़े हैं इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं छान कर। तो सभी आम के स्लाइस को छान कर निकाल लिया है। तो देखिए ये जो चीनी है हमने पकाया नहीं था, कच्चा ही डाला था। तो चलिए बताते हैं इसका क्या करेंगे। तो ये जो पानी है इसको हम इसमें डाल लेते हैं और इसको हम गैस पर रख कर अच्छी तरह से उबाल लेंगे। कम से कम इसका आधा पानी उबाल कर हम जला लेंगे। तो सबसे पहले हम एक प्लेट ले लेते हैं, थाली ले लेते हैं, कि हमने ज़्यादा छोटी ही थाली ले रखी है। तो इसमें हम इस तरीके से इसको रख देते हैं। इसको प्लास्टिक सीट के ऊपर भी रखा जा सकता है और इसको हम पंखे के नीचे ही
सुखवा लेंगे पूरे दिन भर के लिए, इसको हम पंखे के नीचे रहने देंगे। तो इसको हम इस तरीके से थाली में एक एक करके फैला लेते हैं और प्लास्टिक सीट पर भी इसको फैला सकते हैं, और इसको हम पंखे के नीचे सूखने देंगे। जब एक साइड का सूख जाएगा तो इसको एक बार फिर से हम पलट लेंगे। तो चलिए, ये जो पानी है और चीनी है इसको हमने गैस पर रख दिया है, तो अब हम इसको उबलने देते हैं। तो ये देखिए, इसमें उबाल आ चुका है, इसका पानी भी काफ़ी हद तक जल चुका है। तो इसका पानी हम अच्छे से जला लेंगे, आधा से ज़्यादा ही जला लेंगे, चाहे तो पूरा पानी भी जला सकते हैं। तो अब हम गैस को कर देते हैं बंद, और इसको ठंडा करके आप कांच के बोतल में भर कर रख लीजिए। अब इसको पानी में डालकर शरबत बना कर पी सकते हैं, या नहीं तो आप एक ही दिन में इसको इस्तेमाल करके ख़त्म कर दीजिए, या 2-3 दिन तक रख सकते हैं। अगर फ्रिज है तो 1-1.5 हफ्ते तक रख सकते हैं, ज़्यादा दिन तक ना रखें क्योंकि इसमें पानी होता है तो ये ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए, अब ठंडा हो चुका है, तो हम इसका शरबत बना कर पी कर देखते हैं कैसा इसका स्वाद आता है। तो ये हमने गिलास में डाल लिया है 2 कलछुल, तो इसमें हम पानी डाल लेते हैं और इसको चख कर बताते हैं कि इसका स्वाद कैसा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका स्वाद थोड़ा कसाव कसाव लग रहा है, जैसे छिलके का आता है, बहुत हल्का हल्का। तो हम इसको साइड में रख देते हैं, और चलिए अब हम कैंडी को तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने पीसी हुई चीनी ले ली है, इसको मिक्सर में डालकर पीस लिया है, और ये जो आम की कैंडी है ये सूख चुकी है। हमने इसको 1 घंटे के लिए धूप में रख दिया था। अगर इसको ज़्यादा दिन, 1-1.5 साल के लिए बनाना चाहते हैं, तो इसको दिन भर धूप में सुखाइए और इसको 1 से 1.5 इंच तक मोटा काट कर उबालिए, क्योंकि हमने रामदेव बाबा का ये ऐसा कंडी कैंडी बना हुआ खाया था, तो वो बहुत ही कड़क था, दांत से कटने पे कटता नहीं था, लेकिन अगर ज़्यादा सूखा रहेगा तो ज़्यादा दिन तक चलेगा। ये 10 दिन या 15 दिन तक चल सकता है, फ्रिज में रख कर इसको 1 महीने दिन तक खा सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम इसको चीनी में जो है कोट कर लेते हैं, इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो अब ये जो है हमारी कैंडी बनकर तैयार हो गई है। आप इसको चीनी को चाहें तो अच्छे से झाड़ सकते हैं। तो ये हमारी कैंडी जो है बनकर तैयार है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार इस कैंडी को ज़रूर बनाइए, देखिए बहुत ही अच्छी कैंडी बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है।